अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने कहा कि देहरादून राज्य में महिलाओं के लिए कड़ा से कड़ा कानून का निर्माण होना चाहिए। महिलाओं के साथ हुई घटना पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। वॉकिंग वुमेन पोस्टर खुलने चाहिए, क्योंकि यदि महिलाएं कहीं काम कर रही है तो वहां पर हेल्दी एनवायरमेंट में रह सके, जहां पर उनकी सिक्योरिटी भी पूर्ण व्यवस्था हो। इसके अलावा महिला सुरक्षा को लेकर एक ऐप होना चाहिए, ताकि एक बटन दबाने पर महिलाओं का संपर्क अधिकारियों से हो और अधिकारी उस पर तुरंत मदद कर सके। आगे उन्होंने कहा कि हमें समाज को बदलना पड़ेगा, हमें अपने बेटों में संस्कार डालना चाहिए, उन्हें घर में सिखाना चाहिए कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। तो कड़े से कड़े कानून होने चाहिए, त्वरित निर्णय होने चाहिए, वर्किंग वुमेन होस्टल्स खुलने चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं काम कर रही हैं तो शाम को आप ऐसे सेफ एनवायरनमेंट में आप आके रहें, जहां पर आपको सिक्योरिटी भी महसूस होती है और आपको सुविधा भी मिलती है। इसके अलावा एप्स होने चाहिए, कॉल सेंटर्स होने चाहिए, एक बटन दबने पर इमिडिएटली कहीं ना कहीं अफसर तक पहुंचनी चाहिए, ताकि वो मदद के लिए त्वरित रूप से आ सकें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा, जैसे मैं बार बार कहती हूँ, दोबारा कहूँगी, काटे ड्रामा किसे मीडिया में, कि हमें समाज को बदलना है। संस्कार लाइए, अपने बेटों को सिखाइए, घर में सिखाइए कि आपको महिला का सम्मान करना है। अगर वो किसी चीज़ को मना करती है, नो मीन्स अ नो, ये चीज़ें हमें सिखानी होंगी अपने बच्चों को, इनको घोल कर पिलाना होगा घुट्टी की तरह। विधानसभा देहरादून में अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड की विधानसभा को देश में आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित किए जाने के लिए सभी कार्मिकों को प्रोफेशनल तरीके से काम करने के निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों और कार्मिकों की कार्यप्रणाली को समझने के लिए अनुभाग अधिकारी और उससे ऊपर के अधिकारियों से जानकारी ली। आज मैंने उनके साथ बैठक की है और उनसे ये उनसे कहा है, आदेश भी दिया है कि हमें जो विधानसभा, हमारा विधानसभा सचिवालय है, उसको और सुदृढ़ करना है, स्वस्थ करना है और अच्छी तरह से चलाना है, ताकि हम उत्तराखंड की जो जनता है उसकी सेवा अच्छे से कर सकें, ईमानदारी से कर सकें। क्या उनका सभी 100 जो जितने मेरे अफसर थे उनसे बैठकर उनकी भी बात सुनी, अपनी भी बात उनसे कही, बहुत अच्छा एक इंटरेक्शन रहा।